हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इन ये कौन कौन से लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स का और उनका डेरिवेशन, ठीक है, वो मतलब सही में वैसे हैं कैसे हुए हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, इन सब चीज़ों को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के सारे लॉज को हमने अलग अलग वीडियोज़ में, सेपरेट वीडियोज़ में हमने काउंटर किया है, हमने सब में उनको प्रूव भी किया है। आप चाहें तो अलग अलग वीडियोज़ में धीरे धीरे करके देख सकते हैं और चाहें तो इसी में एक साथ सबको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कि कौन कौन से लॉज है पहले ये देख लेते हैं। सो पहला लॉ कहता है x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, ठीक है, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, ये इक्वल होता है x रेज टू पावर m प्लस n के। किसके इक्वल होता है? x रेज टू पावर m प्लस n के। कैसे होता है हम लोग देखेंगे, पहले सारे लॉज को लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग सबको देखेंगे। दूसरा लॉ कहता है x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n इक्वल्स x रेज टू पावर m माइनस n, ठीक है। तीसरा लॉ आपको कहता है x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर m, ठीक है, x रेज टू पावर m, y रेज टू पावर m, इसमें बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, इक्वल्स एक्स वाई इन अ ब्रैकेट रेज टू पावर m, ठीक है। चौथा लॉ हमें कहता है x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर m इक्वल्स x डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर m, सही है। पांचवा लॉ हमें कहता है, पांचवा लॉ जो है वो कहता है x रेज टू पावर जीरो इक्वल्स वन, और छठा लॉ आप एक और कह सकते हो कि x रेज टू पावर वन इक्वल्स डैट सेम नंबर, मतलब x, ठीक है। सातवा लॉ हमें कहता है कि x रेज टू नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, x रेज टू अ नेगेटिव पावर ऑफ इंटीजर इक्वल्स वन बाय x रेज टू डैट पावर, ठीक है, x रेज टू m, जो भी वो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो इन सारे लॉज का डेरिवेशन हम एक एक करके देखते हैं, पहले इसका वाले का, ठीक है, इस वाले का x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इक्वल्स x इंटू x रेज टू पावर m प्लस n क्यों होता है देखते हैं। सो x के जगह पे अगर हम लोग कंसिडर कर लें, ठीक है, x के जगह पे अगर हम लोग कंसिडर कर लें 10 को, और m के जगह पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 को, m के जगह पे किसको 2 को कंसिडर कर सकते हैं, और n के जगह पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 3 को, ठीक है, n के जगह पे 3 को और m के जगह पे 2 को, तो ये कहने का जाता है 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, n ये हो गया 3n हो गया और m हो गया आपका 2 और x दोनों सेम है, तो ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि ये कुछ ऐसे होगा 2 प्लस 3, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा जो कि आपका इक्वल हो जाता है 5 के। अब हम लोग देखते क्या ये सही में ये इक्वल होगा, क्या ये सही में ऐसा होगा देखते। सो ये कहता क्या है कि 10 इंटू 10, ठीक है, ये वाला पार्ट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है 10 इंटू 10, फिर उसके बाद इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 तीन बार, क्योंकि ये रेज टू 3 पावर है, ठीक है, रेज टू पावर 3 है, ये तीन बार ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब पांच बार हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने पांच बार कर दिया। इसको आप डिवीज़न का साइन मत समझना कि हम इसको डिवाइड कर रहे 5 से, ये हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये टोटल पांच बार रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, आंसर सेम आ गया 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5, तो ये लॉ कैसा प्रूफ होगा आप लोग देख सकते हैं। चलो दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ हमें कहता है कि x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n इक्वल्स x रेज टू पावर m माइनस n, ये भी सेम इसी तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से देखते हैं। सो सपोज इस केस में भी हम लोग कंसिडर करेंगे 10 को, ठीक है, 10 को हम लोग बेस कंसिडर करेंगे, m हम लोग लेंगे 2 को, m इस केस में हम लोग ले लेते हैं 3 ताकि आसानी रहे, सिंपलिसिटी रहे उसको डिवीज़न करने में, ठीक है, 3, और हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 10 रेज टू पावर 2, ठीक है, n हम लोग ले लिया हमने 2, n किसको ले लिया 2 को, चलो आगे देखते हैं। तो अब ये क्या क्या रहा है कि ये इसका आंसर होगा 3 माइनस 2, 10 रेज टू 3 माइनस 2 इक्वल्स 1, 10 रेज टू 1 इसका आंसर होगा, ठीक है, देखते अब ये इक्वल कैसे हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो दो को 10 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एक 10 से ये दूसरा 10 कट जाएगा, एक 10 से ये एक 10 कट जाएगा, बचा है सिर्फ एक, सो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे, सिंपल सी बात, 10 हम लोग लिख सकते हैं, सो सिर्फ एक 10 बचा, और जब हमने इसको माइनस किया, ठीक है, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स 1 आया, सो यहाँ पे क्या आया था 10 रेज टू पावर 1 आया था, 10 रेज टू पावर क्या आया था 1 आया था, जो कि इक्वल हो गया 10 के, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग देखते भी कि x रेज टू पावर 1 इक्वल x आता,
तो हमने उसको यहीं पे देख लिया, ठीक है। सो ये छठा नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूफ हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और छठा नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर कहता है हमारा कि x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर m इक्वल्स x इंटू y रेज टू पावर m, ठीक है। ये एक साथ होता है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। x को वापस से हम लोग कंसिडर करेंगे, x को हम लोग इस बार कंसिडर करते हैं 6, ठीक है। आसानी रहती है मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसके लिए 6 कंसिडर करेंगे, 6। और m को हम लोग कंसिडर करेंगे 2, m को क्या कंसिडर करेंगे 2, ठीक है। m को कंसिडर करेंगे 2, उसके बाद आपका y को कंसिडर हम लोग कर लेते हैं इंटू, वाई को कंसिडर करते हैं हम लोग 3, वाई को क्या कंसिडर करेंगे 3, इसको भी हम लोग 2, सही है, कोई प्रॉब्लम। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 इंटू 3 रेज टू पावर 2, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। एक बार चेक करते क्या सही में इसका आंसर ये होगा या फिर ऐसे ही, देखते हैं। सो क्या होगा, ये 6 इंटू 6 इस पार्ट को रिप्रेजेंट करें इंटू 3 इंटू 3 इस पार्ट को रिप्रेजेंट करें, सही है। ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 के, ब्रैकेट हटेगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, सही है। अब हम लोग मल्टीप्लीकेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सही है, कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 का, 18 इंटू 18 ये इक्वल हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 18 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 18 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं है। सो ये लॉ भी हमने प्रूव कर दिया, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं इसके चौथे लॉ को, ठीक है। तीसरा भी हमारा हो गया, अब हम लोग इसका चौथा लॉ देखते हैं। चौथा जो लॉ है, ठीक है, वो उसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम यही चीज़ है, और कुछ नहीं है। हम उसमें भी 6 ही कंसिडर कर लेंगे, 6 को उसमें x को 6 कंसिडर कर लेंगे, और m को हम लोग वापस से 2 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। m को 2, y को हम लोग 3 कंसिडर कर लेंगे, और m को 2, सिंपल है। तो इसमें क्या है, इसमें भी यही करें 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ये आपके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके इक्वल हो जाएगा किसके, 3 से 6 कट जाएगा दो बार में, और 3 से 6 कट जाएगा दो बार में, सो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 2, सिंपल है ये कहानी, 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे तो कह रहा है नहीं 6 बाय 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा था, x बाय वाई रेज टू पावर 2, तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे 6 बाय 3 रेज टू पावर 2, ऐसे भी हो सकता था, क्यों ऐसा नहीं हो सकता था क्या, ऐसे भी हो सकता था। और ये जो 6 बाय 3 को जो हमने यहाँ पे काट दिया, 6 बाय 3 इंटू 6 बाय 3 जो था जो हमने काट दिया, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता था, और आगे चल के ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता। सो ये हो चाहे ये हो, ये दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। मैथमेटिक्स में एक ही वैल्यू को आप कितने भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सिर्फ एक होना चाहिए। इसी के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो हम लोग कहते हैं कि फ्रैक्शंस को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो इक्विवेलेंट रहते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट रहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उनका भले हम लोग देखते हैं तो उनका डिजिट भले चेंज होता है, लेकिन उनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। जो डिवीज़न करने के बाद या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है वो इक्वल होता है पहले के वैल्यू का, इसके लिए वो इक्विवेलेंट कहलाता है। अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं होता तो वो इक्विवेलेंट नहीं कहलाता। चलो समझ में आ गया। सो चौथा लॉ भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा आता है पांचवा लॉ। पांचवा लॉ क्या कहता है, x रेज टू पावर 0, क्या x रेज टू पावर 0 इक्वल्स 1, देखते हैं कैसे होगा। x रेज टू पावर 0 इक्वल्स 1 होता भी है या फिर नहीं, देखते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। सो x रेज टू पावर 0 1 होगा। पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। x रेज टू पावर 2 ये क्या कहता है, ये कहता है x इंटू x, सही है। x रेज टू पावर 3 ये क्या कहता है, x इंटू x, सही है। उसके बाद x रेज टू पावर 4 ये क्या कहता है, x इंटू x, चार बार x। उसके बाद x रेज टू पावर 5 ये क्या कहता है, x इंटू x, मतलब 5 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब अगर हम लोग इसी ऑर्डर से चले, पहले यहाँ पे 5 था, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, और 5 4 3 2 आया, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है, x रेज टू पावर 1 लिखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये x आएगा, सही है, कह सकते हैं x आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x दो बार मल्टीप्लाई हुआ, x रेज टू पावर 2 था, दो बार मल्टीप्लाई हुआ x को, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है,
x रेज टू पावर 3 है तो x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, x रेज टू पावर 4 है तो x को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, x रेज टू पावर 5 है तो x को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ है। तो x रेज टू पावर 1 है तो इसका मतलब x को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि 6 नंबर वापस से एक बार फिर से प्रूफ होता है। लेकिन x रेज टू पावर 0, ठीक है, x रेज टू पावर 0 है तो क्या x को एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, x को एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो क्या वैल्यू 0 आएगा? नहीं, वैल्यू 0 नहीं आता, वैल्यू एक्चुअली 1 आता है। ये कैसे हो सकता है, 1 कैसे आ गया वैल्यू? सो इस चीज़ में हम लोग एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, वो है 1 इंटू एक्स, ठीक है। अगर इन सब में आप 1 इंटू एक्स जोड़ दो, इन सब में आप 1 जोड़ दो नीचे से लेकर ऊपर तक, तो क्या इनकी वैल्यू में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर x हो, y हो, उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, वैल्यू में चेंज नहीं होता, जिसके वजह से x रेज टू पावर 1 वो x रेज टू पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसी अगर इसी पैटर्न से हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें, इसी पैटर्न से अगर हम लोग चलते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पैटर्न से हम लोग चलते तो ये 1 हो जाएगा, वरना ये 0 हो जाएगा अगर इस पैटर्न से हम लोग नहीं चलते तो। इस पर बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं मैथमेटिशियंस के बीच में कि नहीं ये 0 होगा, नहीं ये 1 होगा, ठीक है, ये 0 होगा, नहीं ये 1 होगा, कोई कहते हैं कि ये 0 होगा, कोई कहते हैं ये 1 होगा, हमने आज तक इसको 1 ही कंसिडर किया, सो ये 1, ठीक है। सो 5th नंबर भी प्रूफ हो गया। अब 7th नंबर आता है, ठीक है, x रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर n, ये कैसे प्रूफ करें देखते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव नंबर्स के केस में, x रेज टू पावर 2 के केस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के केस में जैसे ये मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्सपोनेंट्स क्या है, रिपीटेड चीज़, जो चीज़ रिपीटेड हो उसको एक्सपोनेंट्स में दिखा दो। सो पॉजिटिव नंबर्स के केस में ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना आपको नंबर दिया है उतना बार आपको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पर नंबर ही आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो क्या आप नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? तो आप भगवान हो इसका मतलब, ठीक है। सो नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, आप जानते ही नहीं हो नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, करोगे कैसे, नेगेटिव टाइम्स क्या है या उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते, देख पाते, लेकिन इसको हम लोग काउंट कर पाते 2 को या 1 2 3 को, 1 2 3 काउंट कर पा रहे हैं। अब नेगेटिव 1 को कहाँ से काउंट करोगे तुम, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव 2 को तुम कहाँ से काउंट करोगे, ये से काउंट करोगे क्या? नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 पीछे से काउंट करेंगे तो नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 और आगे से काउंट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। सो हमने कहा है कि जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स के केस में ये मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स के केस में ये डिवीजन का काम करेगा। किस चीज़ का काम करेगा? डिवीजन का काम करेगा, ठीक है, ये डिवीजन का काम करेगा। और जैसे यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे ही शुरुआत में जब डिवीजन के केस में ये आता है तो ये 1 से डिवाइड भी होता है। क्या? डिवीजन के केस में जब ये आता है तो ये 1 से डिवाइड भी होता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे मन में अब एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा दोस्त कि भाई ठीक है ये डिवीज़न हो रहा है, सब सही है, तो इसको तुमने ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया? ठीक है, इसको तुमने ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया? तुम ऐसे ही चुपचाप रिप्रेजेंट करते ना, ये कहाँ से आ गया? ये जो केस तुमने ला दिया है ये तुम कहाँ से ला दियो कि 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2, ये तुम कहाँ से लाए? इस केस को हमें बताओ, ठीक है, चलो प्रूफ करते। तो कहा ये गया है, इस हम लोग मैथमेटिक्स से ये प्रूफ कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, ठीक है, प्रूफ करते हैं। 1 को 1 कंसिडर करते हैं, x को हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, x को 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, आंसर क्या आ गया? 0.5, क्या आ गया? 0.5। सो 0.5 वापस से डिवाइडेड बाई 2, 0.5 को फिर से 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 0.5 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तो आप जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। क्या आंसर आ जाएगा? 0.25, सही है, चलो बहुत अच्छे। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 0.25। अब ये क्या कह रहा है? ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2, ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2, इसका मतलब ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2, x के जगह पे 2 और रेज टू पावर 2, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, ये जो कि इक्वल होता है 0.25। यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25, इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? एकदम इक्वल है भाई। सो 7 नंबर भी प्रूफ। अब तुम कहोगे नहीं भाई थोड़ा मतलब इससे हम मान नहीं पा रहे हैं इसको उतना अच्छा से, हमें मतलब अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में, इसको हम लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे, इसमें थोड़ा प्रूफ हम कमी हो रहा है, किसी और मेथड से समझाओ, एक मेथड नहीं ना होता है समझाने का,
एक मिनट से तो आप किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ आपने एक मिनट से प्रूफ किया तो लगता है कि नहीं थोड़ा गलत है, तो आप चार पाँच मिनट्स यूज़ करते हो कि नहीं उसको प्रूफ करने के लिए, चार पाँच तो बहुत ज़्यादा हो गए, एक या फिर दो मिनट्स आप लोग यूज़ करते हो मैक्सिमम दो, ठीक है। सो दूसरा मेथड भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, अगर आपको इसमें संतुष्टि मिल गई तो ठीक है, अगर इसमें संतुष्टि नहीं मिली तो इस चीज़ को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा मेथड इससे और आसान है, ठीक है, दूसरा मेथड इससे और आसान है, वो इसी से डेराइव हुआ है, टू नंबर से डेराइव हुआ है। देखते अब सपोज ये एक्स रेज टू पावर माइनस है, हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सपोज कि एक्स को हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स को यहाँ पे हमने 10 ले लिया, और एम को हम क्या ले लेते हैं, एम को हम सपोज कि 2 ले लेते हैं, 2 सही रहेगा ना, 2। अब ये डिवाइडेड बाय एक्स रेज 10 और एन को हम लोग 3 ले लेते हैं, क्या 3 कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, चलो बहुत अच्छे तुम अच्छे बच्चे हो भाई, प्रॉब्लम क्यों हुआ तुम्हें। तो ये इक्वल क्या होगा, 10 रेज टू 2 माइनस 3 इक्वल्स माइनस 1, सही है ना, यही हुआ ना, क्या इसके अलावा कुछ होगा क्या, 2 से जब 3 को घटाओगे तो माइनस 1 ही आएगा ना, ये होगा ना आंसर, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, नहीं है, चलो आगे देखते हैं। अब तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें लेकिन हम देखते हैं आगे। अब इसको जब हम लोग दूसरे मेथड से प्रूफ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 10 रेज टू पावर माइनस वन आ गया वहाँ पे। अब देखते हैं क्या ये सही में इक्वल होगा, 1 बाय 10 क्या इक्वल होगा। अब यहाँ पे तुमने 1 क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक्स रेज टू 1 इक्वल्स एक्स, सिंपल, इसके अंदर हमने 1 नहीं लिखा था वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लिख दिया। सो देखते हैं अब ये क्या कर रहा है, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 ये कह रहा है ना, ये चीज़ है ये 10 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 3 यही तो कह रहा है, यही काम करने के लिए तो कह रहा है ना आपको, यही काम करने के लिए कह रहा है ना, कोई दूसरा काम तो आपको करने के लिए नहीं कह रहा है। सो 10 से 10 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, आंसर क्या आया, 1 बाय 10 आंसर आया, क्योंकि इक्वल है 1 बाय 10 रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे क्या आया था आपका, यहाँ पे आपका आंसर आया था 10 रेज टू पावर माइनस वन, जो कि इक्वल आपका आंसर आया 1 बाय 10 रेज टू पावर 1, ठीक है। सो प्रूफ हो गया आपका कहानी, कोई दिक्कत है क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, कोई दिक्कत है तो बताओ, उसको भी प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनाएं, क्वेश्चंस तुम्हें खुद बनाने होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस तुम इस पर खुद बनाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से होगा, ठीक है। अगर इस पर तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम इसमें इंप्रूव करोगे। मैं इसमें बहुत फंसता था एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में, सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि ये पढ़ तो लिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ तो लिया, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, वो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ सही हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें इफिशियंट होते जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड चैप्टर नहीं है, ये हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें आपको अप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई करनी है ये आपको देखना होगा, सही चीज़ एकदम सही से देखना होगा कि हाँ यहाँ पर ये अप्लीकेबल है या फिर नहीं है, इन चीज़ों को आप लोग देख लो, उसके बाद अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मैथ्स तो प्रैक्टिस की चीज़ ही है, एकदम प्रैक्टिस करते जाओगे, यानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, चलो जय हिंद।